हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा वर्कशॉप में हम लोग है, ये फेंसिंग मशीन बन रहा है। ये देखिए, ये है मोटर और ये मशीन बन रहा है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, अभी मोटर लगाया जा रहा है इसमें। ये देखिए, ये होगा स्लाइडिंग। और ये है पूरा इसका इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैनल बॉक्स। जितना में आप फिक्स कीजिएगा उतना ही रोटेशन होगा मोटर का और फिर रुक जाएगा अपने आप। और ये है पेडल स्विच। तो इसको थोड़ा बस टेस्ट करेंगे, अभी काम तो पूरा हुआ नहीं है मगर टेस्ट करेंगे सिर्फ। तो टेस्ट करते हुए आपको एक इसका डेमो दिखाएंगे। तो ये जो है सेमी ऑटोमेटिक है, काउंटिंग भी होगा इसमें। और नेक्स्ट इसी में ऐड करेंगे हम लोग ऑटोमेटिक के लिए। यहाँ पे जो है इसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टैंड होगा जिसमें कि कुछ मैकेनिज्म होगा, उसमें तार मुड़ेगा भी और आपका नेट भी बनता हुआ जाएगा। ये है हमारा वर्कशॉप। देखिए यहाँ पे ग्रिल का काम, दरवाज़ा खिड़की सब बनता है यहाँ पे। और ये मेरा फ्रेंड्स, अभी मोटर पूरा इंस्टॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस मशीन का खूबी बताते हैं आपको कुछ कुछ। ये है देखिए, कितना हैवी मशीन है मगर ये सिंगल फेज का मशीन है। और ये सिंगल फेज का मशीन है फ्रेंड्स, और इस बहुत ही हैवी है। ये सिंगल फेज का 2 HP का मोटर है जबकि ये लोड ले लेगा 5 HP का। इतना शक्तिशाली मोटर है, 2 HP का है पर 5 HP 4 HP का काम आराम से करता है। और फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं, ये वाला, ये टोटली एडजस्टेबल है। अगर आपको बेल्ट छोटा मिल जाए तो इसको ऊपर उठा लीजिए, अगर बड़ा हो तो उसको नीचे कर लीजिए। देखिए ये मेरा बेल्ट जो था, ये बेल्ट, ये अभी बड़ा पहले वाला से ये ज़्यादा बड़ा है। तो इसको मैं अभी क्या किया, इसको लगा करके देखिए इसको नीचे कर दिया तो ये मेरा एडजस्ट हो गया। ये टोटल मोटर जो है टोटली एडजस्टेबल है। यहाँ देखिए, ये है कटर, ये प्रोसेस में है, बन रहा है अभी ये मशीन। तो इसका अभी जस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है मगर फिर भी वायरिंग वगैरह ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब ये सब लग चुका है। तो इसका एक टेस्टिंग कर रहे थे तो सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बना दूं। तो ये है सेमी ऑटोमेटिक चैनलिंग मशीन, ठीक है। और यहाँ पे 20 में सेटिंग रखा हुआ है 20 का। ये है सेंसर, यहाँ से ये काउंट करता है। और ये है काउंटर, देखिएगा अभी यहाँ पे हम फुट स्विच को दबाएंगे और यहाँ पे काउंटिंग देखिएगा, 20 में जाकर ये बंद हो जाएगा। और ये है रीसेट, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑटो रीसेट भी है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए इसका सेटिंग किस तरह है। अभी इसको इस तरह से सेटिंग किया गया है कि आप मान लीजिए आपको 20 राउंड चलाने के बाद आपको अगर मान लीजिए 5 फीट का अगर माल निकलता है तो 5 फीट पे निकल के ये 20 राउंड में ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में आप कटिंग कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर कटिंग कर लिए वायर को। कटिंग करने के बाद फिर इसके बाद आपको ये पैर से दबाना है और जैसे दबाइएगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये वायर को बुनने के लिए फ्रेंड्स इसको एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए सिस्टम हम लोग इस तरह कर दिए हैं। ये एक स्टेप इतना चाहिए, इसको सेटिंग कर लिया जाएगा। एक स्टेप ये पीछे चला गया, फिर इसको चलाएं ये,
इस राउंड हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर इसको एक स्टेप आगे करना पड़ता था कि आगे बुनने में बुनाई हो जाए आराम से। इसको हम लोग आगे कर लिए। इसके बाद फिर हमको इसको दबाना है ताकि फिर बुनने लगे। तो ये इसके बाद फिर कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद इसको फिर पीछे कर लिए, फिर इसको दबाएंगे, फिर चलने लगेगा। इसके बाद फिर इसको कटिंग करना है, कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद इसके बाद आगे पहुंचा दीजिए, फिर इसको दबाइए, फिर चलने लगेगा। इसके बाद फिर कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद फिर इसको पीछे कर दीजिए, फिर चलाइए। और यहाँ पे हुआ है ताकि इसमें ऑयलिंग जो होगा, यहाँ पे एक छोटा सा मोटर रहेगा जिससे ऑयलिंग किया जाएगा। हमेशा पानी या जो तेल होता है कटिंग ऑयल वो गिरता रहेगा इसमें, उसका भी सिस्टम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का मशीन चाहिए, मैनुअल मशीन चाहिए या सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक, तो आप मुझे मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑटो रिसेट रखा हुआ है, इसको ऑटो रिसेट में रखा हुआ है। तो ये अपना देखिए, यहाँ पर कुछ स्विच को दबा कर ही रखा हुआ है। ये अभी कुछ स्विच ऑन ही है, दबा कर रखा हुआ है। पर यहाँ पर देखिए ऑटो रिसेट में रखा हुआ है, ये एक सेकंड में ये ऑफ होकर फिर अपने आप ऑन हो जाता है। मगर यहाँ पर कोई ऑन ऑफ करने का पैर से ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो स्विच में है। अभी ऑटो रिसेट हो रहा है। और इसका अगर इसको चाहेंगे आप अगर मैनुअल करना, तो ये अभी इसको चाहिएगा मैनुअल करना, तो इसको दबा कर रखना है। ये टाइम आ चुका है अभी, तो टाइम में अभी अगर इसको अपने आप रिसेट कर, यहाँ से रिसेट करना है मैनुअली, तो अभी इसको 0-0 कर देना होगा सबको। तो अभी सबको 0-0 करना है, अभी इसको भी 0 करना है। ये 0-0 हो गया, ये रिसेट हो गया है। ये अब मैनुअली ऑपरेट करना होगा, मतलब ये एक बार दबा कर रखिएगा तो 20 बार घूमेगा आपका मोटर, 20 राउंड होगा, और इसके बाद फिर बंद हो जाएगा। फिर आपको मैनुअली रिसेट करना होगा। तो रिसेट की जगह में आप बटन से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं रिसेट। और एक यहाँ पर लगा हुआ है ये वायर, ये देखिए ये लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच, इससे भी आप रिसेट कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह से रिसेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी रिसेट कर सकते हैं, इसको स्विच से भी कर सकते हैं, और मैनुअल यहां से भी कर सकते हैं रिसेट। तो अभी देखिए आपको दिखाते हैं, ये 20 हो गया। अभी इसको फिर रिसेट करना होगा, मैनुअली किए हैं, ये रिसेट हो चुका। फिर अब इसको फिर से दबाना होगा, ये देखिए 20 हो गया और ये रुक चुका है। इसको जब तक रिसेट नहीं करेंगे तब तक ये, आप इसको जितना भी दबाइए ये चलने वाला नहीं है, इसको रिसेट करने के बाद ही चलेगा। ये 0 हो गया, अब देखिए फिर से चल रहा है। और अगर चाहते हैं आपको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद अपने आप चलता रहे, तो इसको देखिए इसको दबाना होगा। ये टाइम आ चुका है, मान लीजिए इसको 5 सेकेंड करना है। ये 5 सेकेंड हो गया, रिसेट कर दिए हैं, सेट कर दिए। अब देखिए, हाँ अब देखिए, ये देखिए चल रहा है, 20 बार में रुक जाएगा। ये रुक चुका, ये दबा हुआ है फिर भी पैर से, देखिए। और ये 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, देखिए। ये 5 सेकंड के बाद फिर देखिए दबाया नहीं जाए, ये दबा कर रखा हुआ है, और ये देखिए 5 सेकंड में खुद अपने आप ऑटोमेटिक ये ऑटो रीसेट में रखा हुआ है। तो इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, जैसा इच्छा आपको। इससे क्या होता है, आपको कटिंग करने में, कटिंग करने का वायर हाथ से कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग करने के लिए आपको सुविधा समय मिल जाएगा। और यहाँ पे कटर लगा हुआ है, इसको अभी सेट नहीं किया हुआ है, ये सेट किया जाएगा। और इसको मैनुअली कटिंग करेंगे हम लोग, हाथ से नहीं, पैर से दबा देंगे। यहाँ पे एक लीवर रहेगा, इसको दबाएंगे हम लोग पैर से, और ये कटिंग हो जाएगा।
देखिए इसको भैया देखने में 5 सेकंड में देखिए ये ऑटो, ये अभी ऑटोमेटिक में छोड़ दिया गया है, ये 5 सेकंड में फिर से शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये 5 सेकंड में फिर शुरू होगा। ये देखिए और ये देखिए 5 सेकंड में अपने आप ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ये 5 सेकंड में फिर से अपने आप ऑन हो जाएगा। आपको कटिंग करने में जितना टाइम चाहिए आप उसको सेट कर सकते हैं पैनल के थ्रू। ये देखिए इसको थोड़ा और हम समय कम कर देते हैं। इसको पहले रिसेट कर देते हैं, चल रहा है, इसको ऑफ कर दिए। रिसेट करने के लिए एक बार पहले ऑफ कर लीजिएगा, फिर इसको ऑन कीजिए। ये ऑन हो गया, फिर इसको इसका टाइम अगर हमको कम करना है तो ये टाइम हम 2 सेकंड कर देते हैं। अब 2 सेकंड हो गया, ठीक है। अब 2 सेकंड में ये ये 2 सेकंड में अपने आप ऑन होगा, ऑफ होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह का मशीन अगर चाहिए होगा तो आप हम मुझे मेरा दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया रहेगा, आप वहां से मुझे फ़ोन मिलाकर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरह का मशीन चाहिए तो। इस तरह का मशीन मैनुअल मशीन, और इसको फिर आप मॉडिफाई करके, इसको फिर मॉडिफाई करना है, इसको ऑटोमेटिक बनाना है। तो इसका ये जब ऑटोमेटिक ऑटोमाइज हो जाएगा और इसका कटर उटर लगा देंगे तो फिर एक बार आपको हम अपडेट कर देंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा कर रखिएगा ताकि जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ तो आपको उसको मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।